ज्ञानवापी परिसर, कुछ लोग इसे ज्ञानवापी मस्जिद और कुछ ज्ञानवापी मंदिर कहते हैं। एक बार फिर से विवादों में आ गया है। पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वे कार्य पूरा कर लिया है और अब इसकी 839 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। क्या है इस रिपोर्ट में? और जिस मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी या जिस पर विवाद है, उसे सर्वप्रथम किसने बनाया था और उसके बाद किस किसने उसका पुनः निर्माण कराया और किस किस के काल में क्या क्या हुआ, ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। ज्ञानवापी मंदिर या ज्ञानवापी परिसर, जिसे आज के समय में एक विवादित स्थल कहा जाता है, क्या आप इसका इतिहास जानते हैं? कितना पुराना है मंदिर और जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई या मस्जिद के नीचे जिस मंदिर की दीवार आपको दिखाई दे रही है, उसका निर्माण किसने किया, उसका पुनः निर्माण किसने किया था? खुली आंखों से जिसे देखकर कोई भी मनुष्य बता सकता है कि मंदिर की दीवारों पर मस्जिद के गुंबद रखे हुए हैं। दुनिया का कोई भी इंसान जिसे मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना न हो, उसको एक दो मंदिर दिखाओ, एक दो मस्जिद दिखाओ और पूछ लो और बस उसका फैसला मान लो। किसे तोड़कर क्या बनाया गया है वह अपने आप बता देगा। अगर किसी अंधे मनुष्य को भी दो चार मंदिरों की दीवारों को छूकर और दो चार मस्जिदों की दीवारों को छूकर महसूस करने के बाद ज्ञानवापी ले जाओगे और अपने हाथों के स्पर्श से वह बता देगा कि किस चीज को तोड़कर कौन सी चीज बनाई गई है। मंदिर के ऊपर का निर्माण बिल्कुल साफ दिखाई देता है और अपने मंदिर होने की गवाही चीख चीख कर दे रहा है। ज्ञानवापी मामले में हलचल एक बार फिर से तेज हो चुकी है, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट के बाद दोनों पक्षों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। एक हैदराबादी सांसद जो अपने आप को भारत के मुस्लिमों का पक्षकार और उनकी अगुवाई करने वाला समझता है, हालांकि उसे वोट परसेंटेज एक से भी कमी मिलता है, उसने एएसआई को हिंदुत्व की कठपुतली तक कह दिया है। दूसरा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप दी गई है और इसका अध्ययन करके अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, एएसआई ने 839 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में इसका पूरा सार, इसका विवरण और कंक्लूजन भी दिया है और इसमें कहा है कालांतर में इसमें अवश्य एक भव्य मंदिर रहा है और साथ ही इसे साबित करने वाले प्रमाणों का भी हवाला दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ा हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास। अब जानते हैं क्या है ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का इतिहास और क्या है इसके शिव मंदिर होने के दावे, क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ और शोध। इतिहासकार कहते हैं कि 1194 में मोहम्मद गोरी ने काशी स्थित मंदिर को लूटकर इसको तुड़वा दिया था, लेकिन मोहम्मद गोरी से पहले से किसने बनवाया था? आपने देखा होगा कि अयोध्या में भी एक बार अयोध्या का पुनः निर्माण हुआ था, जिसे बाद में औरंगजेब, बाबर और कई मुस्लिम आक्रांताओं की मार झेलनी पड़ी। सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने उज्जैन नगरी के उद्धार के बाद अयोध्या का उद्धार किया और ऐसे ही वो काशी का उद्धार करने भी पहुंचे, क्योंकि उस समय बहुत बड़े भूभाग पर उनका ही साम्राज्य था। वही अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक, म्यांमार से लेकर गुजरात तक उन्हीं का राज्य था। तो उन्होंने भारत के प्रमुख मंदिरों को एक बार फिर से जीर्णोद्धार कराया, उन नगरियों को एक बार फिर से खोज निकाला जिन्हें लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे। काशी के जीर्णोद्धार तक हजारों साल तक काशी यूं ही चलती रही और इसका महत्व और बढ़ने लगा, जिसकी खबर मुस्लिम हमलावर मोहम्मद गोरी को पड़ी, जिसने मंदिर को लूटकर तोड़वा दिया। फिर जब मंदिर बना लिया गया तो 1477 में जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह द्वारा मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवाई गई। हालांकि उसको लेकर मतभेद है कि तब मस्जिद नहीं बनी थी, क्योंकि कुछ का मानना है 1669 में औरंगजेब के आदेश से तोड़कर यहां पर मंदिर के आधे हिस्से पर जामा मस्जिद बनाई गई। हालांकि मस्जिद को अलग से बनवाकर मंदिर की नींव और मलबे का ही इसमें प्रयोग किया गया था। मंदिर टूटने और मस्जिद बनने के 125 साल तक कोई मंदिर नहीं बना था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया। ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 के राजस्व दस्तावेजों में जमा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज हुआ। 1809 में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की गई। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वॉइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदू को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। 1936 में दायर एक मुकदमे पर वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया।
1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रमारंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। तब आदेश दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। फिर 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 माह के लिए बताई। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातत्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी। 2022 में ही कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हुआ। शिव मंदिर होने के दावे पर क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ। हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा के हजारों वर्ष पूर्व राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। शिवपुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना गया है। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा। विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक यहाँ पर घोर तपस्या करते रहे। पतित पावनी भगीरथी गंगा के तट पर धनुषकारी बसी हुई है, जो पापनाशिनी है। कथित मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआ है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से कुआ बनाया था। कहते हैं कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी है। ज्ञान यानी बोध होना, वापी यानी जल। ये भी कहते कि शिवजी ने यही अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। ज्ञानवापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता था। ज्ञानवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर मिश्रण है। मस्जिद के गुम्बद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवारें नजर आती हैं और मस्जिद के खंभे भी हिंदू मंदिर शैली में बने हुए हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया, मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनाई। याचिका में कहा गया, मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यह जमीन हिंदू समुदाय को वापस दी जाए। वादी पक्ष का दावा है कि मौजूद ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्से में मंदिर के चिन्ह और गर्भगृह में शिवलिंग होने की बात उठती रही है। ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वॉशिंगटन ने जे पॉल गेटी म्यूजियम, कैलिफोर्निया इत्यादि में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा सन 1859 से 1910 के मध्य लिए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संग्रहित हैं। एक विदेशी फोटोग्राफर सैमुअल बॉन के द्वारा फोटो 1863 और 1870 के बीच लिया गया था। इसके कैप्शन में लिखा है, ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं बनारस। तस्वीर में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खंभों की नक्काशी दिखाई दे रही है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है, ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा हिंदू विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र हैं। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह खुलासा हुआ कि तहखानों में एक शिवलिंग है। तहखाने में स्तंभ में मूर्तियां अंकित हैं, वहां कई मूर्तियों और कलश के होने की बात कही जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान पाए गए हैं। इसे मगरमच्छ का शिल्प है। जहां नमाज पढ़ी जाती है, वहां दीवारों में जगह जगह ओम आदि लिखे हुए हैं। यदि मुस्लिम स्कॉलर की माने तो ऐसी जगह पर नमाज अदा ही नहीं की जा सकती, खासकर ऐसी जगह जो किसी दूसरे की जमीन पर या दूसरे की इमारत पर कब्जा करके बनाई गई हो। स्तंभ अष्टकोण में बने हुए हैं और हिंदू मंदिरों में ऐसे ही स्तंभ पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर मुंह किए हुए नंदी इस बात को दर्शाता है कि उसी ओर शिवलिंग है। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर का होना इसके बाद का सबूत है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुख्य गुंबद है, उसके नीचे भी एक गुंबद है। दोनों के बीच करीब 6 से 7 फीट का गैप है।
नीचे के गुंबद को गुंबद नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां शंक्वाकार है। ऐसा हिंदू स्थापत्य शैली में ही बनाया जाता है। गुंबद में जो नीचे का भाग है वह मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।